अरे क्रिमिनल रिपू, क्या कर रहे हो? चलो यार, हमें शॉर्ट्स बनाने जाना है। अरे सासा, मैं और रिपू तो नहीं आने वाले हैं। आप जाओ, आप सकुड़ा या आरोप के साथ शॉर्ट्स बनाओ। हाँ, मैं देख रहा हूँ तू पिछले 2-3 दिनों से शॉर्ट्स बनाने नहीं आ रहा है। क्यों, तबीयत खराब है क्या तेरी? अरे नहीं सासा, मैं तो घोड़े हाथी जैसा हूँ, पर ये तो मेरा मन नहीं है अब शॉर्ट्स बनाने का, इसलिए। अच्छा, तो तू शॉर्ट्स नहीं बनाएगा तो कैसे चलेगा यार? कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। मैं बनाता हूँ ना सासा, रेड क्रिमिनल ब्लॉग्स आते हैं मेन चैनल पे। ठीक है इपू, तो चल तू आ जा, हम दोनों बना लेते हैं शॉर्ट्स। नहीं चाचा, टिकटॉकर समझा है क्या जो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा? अगर फियरलेस मेन चैनल का लॉन्ग वीडियो बनाना है तो बताओ, फिर चलूंगा मैं। और हाँ गाइस, हमने नया गेमिंग चैनल बनाया है जिसमें हम सारी गेम्स खेलेंगे, तो उसका लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, मतलब तुम दोनों अब से शॉर्ट्स नहीं बनाओगे? हाँ, एटीट्यूड आ गया तुम दोनों में। ठीक है, तो अब शॉर्ट्स नहीं बनाना है ना तुम्हें, तो लॉन्ग में भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे सासा, क्या बात कर रहे हो, सारी चैनल्स तो मेरे पे ही चलती है, कोई आपको देखने नहीं आता इधर। सब लोग वही बोलते हैं, रेड क्रिमिनल ओपी, उसका वॉइस ओपी। और मेरा मुंह मत खुलवा, सबको टॉयलेट मैन, मतलब कि मेरा वॉइस ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ सही कहा, सारी चैनल्स मेरे और रिपू के वजह से ही चलती है, अब कोई यहाँ आदम सासा को देखने नहीं आता और कोई नहीं बोलता रिस्पेक्ट आदम गाइस। सासा, अब आपकी कोई इतनी डिमांड नहीं रही मार्केट में। हाँ सही कहा, अब गेम में भी लोग आदम को सिर्फ इवेंट्स निकालने के लिए यूज करते हैं ताकि उन्हें सस्ते में आइटम्स निकल जाए। तुम दोनों ये भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें साथ नहीं रखा होता तो आज तुम्हें कोई नहीं जानता होता। ठीक है, नहीं बनाने हैं ना शॉर्ट्स, मत बनाओ, पर फिर आगे जो भी हो मुझे मत बोलना। सासा यार, अब हम शॉर्ट्स बनाएंगे ना तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। हम बड़े क्रिएटर है, हम बड़े वीडियो ही बनाते हैं, और अगर हम शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यार? देखो यार, बात ये है कि फियरलेस ने मुझे बोला है कि शॉर्ट्स तो बनाने ही है, अगर तुम शॉर्ट्स नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सिंपल। और सासा, फियरलेस से क्यों डरते हो? वो क्या ही कर लेगा? अगर वो कुछ बोलेगा तो मैं तो उसे गोला छोड़ के उड़ा दूंगा। वो तो डरपोक है, कभी दिखता ही नहीं है, उससे क्या डरना। सरकार, धरती लोक पे एक दिक्कत हो गई है, क्रिमिनल और हिप्पू आदम को मना कर रहे हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है जाओ, उन्हें थोड़ा प्यार से समझा के आओ, वरना तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। नहीं सरकार, वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ यार, तुम जाओ, मुझे नहीं आना फ्री फायर वर्ल्ड में। नहीं यार, जाना तो पड़ेगा क्योंकि हम काफी टाइम से फ्री फायर वर्ल्ड में गए नहीं है, और अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर शॉर्ट्स बनना बंद हो जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना। अरे यार, अगर शॉर्ट्स नहीं डालेंगे तो 10 मिलियन कैसे होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो चल, अब हम दोनों रेस लगाते हैं क्लॉक टावर तक। हाँ हाँ ठीक है, चल आ जा, देखते कौन पहले पहुंचता है। अरे सासा, ये क्या होने लगा, भूकंप आ गया क्या? एकदम से बिजली कड़कने लगी, बारिश आने लगी। अरे ऐसा तो तभी होता है जब फियरलेस फ्री फायर वर्ल्ड में आने वाला होता है। रे सुना सबने, फियरलेस आरिया से भागो। अरे हाँ भाई भागो, जल्दी से अपने अपने घर में छुप जाओ। ये लो, लगता है मैं ही पहुंचा हूँ पहले क्लॉक टावर पे। अरे सासा यार, यही है क्या फियरलेस भाई? मैंने तो पहली बार देखा इनको। हाँ, ये तुम्हारी वजह से ही यहाँ आए हैं, आज तो तुम दोनों की खैर नहीं। अरे फियरलेस भाई, बाहर की उड़ रहे हैं, आइए आइए अंदर आइए, वरना भीग जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो अंदर, वैसे भी बात करनी है तुमसे। आइए आइए फियरलेस भाई, कैसे आना हुआ? वैसे काफी सालों के बाद आए आप। तुम तो जानते ही हो आदम, हमारा क्यों आना हुआ है। वैसे तुम में से कौन मना कर रहा था शॉर्ट्स बनाने के लिए? अरे फियरलेस भाई, वो तो हम आदम सासा को अप्रैल फूल बना थे, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों ली? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, अप्रैल आ गया ना, बढ़िया अप्रैल फूल बनाया तुमने। तो चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम चलते हैं। अरे नहीं फियरलेस भाई, अगर आप यहाँ आए ही हो तो Q&A वीडियो बना के जाओ ना यार, फिर पता नहीं अगली बार कब आओगे। हाँ हमें पता ही था, तूने अपने ब्लॉग में बोल दिया था कि 5000 कमेंट करा दो, फियरलेस भाई Q&A वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए तूने ये सब ड्रामा किया ना। अरे फियरलेस भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑडियंस को भी
Q&A वीडियो सही अच्छा इसलिए। अरे फियरलेस भाई अब आए हैं तो कर ही लीजिए ना Q&A। हाँ गाइस, हमें वैसे भी आप लोगों से बात करनी थी। देखो यार, सबकी ऑडियंस का एक नाम होता है, जैसे मेसी आर्मी हो गया, ब्रो सेना हो गया, तो हमारी ऑडियंस का क्या नाम रखे? फियरलेस आर्मी, फियरलेस सेना या फियरलेस गैंग? कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए फियरलेस भाई, अब बताइए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन ये वॉइस निकालता है? देखो यार, हमारी कोई टीम नहीं है, हम सिर्फ दो ही बंदे हैं और सारी चीजें हम दोनों ही करते हैं। हाँ, और काफी लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। हाँ, हम दोनों गुजरात से हैं। और हाँ बाबू मोसाय, काफी लोग पूछते हैं कि आप अपना रियल वॉइस क्यों नहीं डालते हो वीडियो में। देखो गाइस, इन्होंने ना क्लिकबेट किया है वॉइस रिवील और Q&A के नाम पे, बल्कि हमने हमारा वॉइस रिवील तो कब का कर रखा है। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, तो फिर डालते क्यों नहीं हो आप अपना रियल वॉइस? तो चलो गाइस, मैं ना आपको सच्ची बात बताता हूँ। अब तक हमारे पास ना सस्ते वाला माइक था, जिसमें ना हमारा रियल वॉइस ही टट्टी निकलता था, बाकी सारे वॉइस तो अच्छे निकलते थे। यही रीजन था गाइस, इसलिए हम हमारा रियल वॉइस नहीं डालते थे। अच्छा, तो अब नया वाला माइक ले लिया इसलिए रियल वॉइस डाल रहे हो ना? हाँ, अब तो थोड़ा महंगा वाला माइक ले लिया है। हाँ नया माइक ले लिया ना, फिर भी इसमें तुम्हारा वॉइस टट्टी ही आ रहा है। क्रिमिनल, ये तू भूल रहा है कि तेरा जो वॉइस है वो तेरा नहीं, असल में फियरलेस भाई का है। क्या बात कर रहे हो सासा, कुछ भी फेंक रहे हो यार। अबे ये क्या हो रहा है बाबू मोसाई? जरूर ये फियरलेस भाई का ही काम होगा, तेरी बोलती बंद कर दिया। हाँ वो तो ये मान नहीं रहा था ना, इसलिए इसे तसल्ली दिला दी कि रेड क्रिमिनल को असल में आवाज हम देते हैं। मैं तो अभी भी नहीं मान रहा, वो तो मेरे गले में मक्खी फंस गई होगी। अच्छा ये बात है, तो तू रुक अभी बताता हूँ तुझे। फियरलेस भाई आई लव यू, फियरलेस भाई आई लव यू, अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, फियरलेस भाई आई लव यू, अरे बिग फैन भाई, बिग फैन फियरलेस भाई। अरे अब मान गया ना तू, ये फ्री फायर वर्ल्ड में फियरलेस भाई की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा अच्छा मान गया। और वैसे फियरलेस भाई यार, लोग पूछ रहे थे कि आपकी कंसिस्टेंसी का राज क्या है, आप रोज शॉर्ट डालते हो, हफ्ते में दो लॉन्ग वीडियो डाल देते हो। अरे देखो, हमारा मन हो या ना हो, हम डेली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और हम ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लॉन्ग वीडियो दे सके, क्योंकि हम जितने ज्यादा वीडियोस डालेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इनकम होगी। अरे अरे रुक जा भाई, ये क्या बोल रहा है तू? अरे जो स्क्रिप्ट में है वही तो बोल रहा हूँ मैं। वैसे ये तूने लिखा था क्या स्क्रिप्ट में? मैंने तो नहीं लिखा था ऐसा। अरे मुझे लगा कि तूने लिखा होगा, अगर मैंने नहीं लिखा, तूने भी नहीं लिखा तो किसने लिखा? अरे वो तो मैंने लिख दिया था, सोचा अच्छा लगेगा। अच्छा तो तूने स्क्रिप्ट चेंज कर दी, रुक साले अभी तुझे बताता हूँ, ये ले। देखो ये लाइन थी पिगू, पिछली वाली लाइन कट कर देना। और ठीक है फियरलेस भाई, वही कर दूंगा एडिटिंग। तो देखो गाइस, कंसिस्टेंसी का राज ये है कि हम जितने ज्यादा वीडियोस डाल पाएंगे उतना ही ज्यादा आपको एंटरटेन कर पाएंगे। हमारा मेन फोकस आपको एंटरटेन करना ही होता है, हमें यहीं से एनर्जी मिलती है कि हम हमारे वीडियोस के थ्रू किसी की हेल्प कर पाए, उन्हें एंटरटेन कर पाए। अरे इससे अच्छा तो मैंने ही स्क्रिप्ट में लिख दिया था, ये तो आपने वीडियो को बोरिंग बना दिया। हाँ बोरिंग कर दिया, पर हम तेरी तरह वीडियोस में क्लिकबेट तो नहीं करते ना। गाइस इसने क्लिकबेट किया था कि फियरलेस भाई अपना वॉइस रिवील करने वाले हैं, बल्कि हमने हमारा वॉइस तो पहले से ही रिवील कर रखा था। ये देखो ये हमारी एक साल पुरानी वीडियो है। तो गाइस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ खतरनाक, जिससे आप 10 सेकंड में पूरा राउंड जीत जाओगे। इसके लिए लगेगा आपको ग्रीन क्रिमिनल, वो करेगा टीम अप। अच्छा तो फिर डालते क्यों नहीं हो यार? अरे डाली थी ना हमने, हमारे कल के वीडियो में ही डाली थी, पर फिर लोग कमेंट करने लगे कि आदम वॉइस चेंज्ड, वी वांट ओल्ड वॉइस। चलो आदम सासा आप बैठाओ, आप क्या करते हो सुबह उठ के? अरे मैं तो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, तू भी आ जाना, हम दोनों साथ में करेंगे। अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, आपका वॉइस तो बहुत अच्छा है पर मेरे से ज्यादा नहीं। और फियरलेस भाई आप गेमिंग चैनल क्यों नहीं शुरू कर देते, एनिमेशन हम संभाल लेंगे। हाँ ये गेम खेलते खेलते मेरे घर में घुस गए थे। हाँ गाइस असल में हमने ग्रेनी चैप्टर 2 खेली थी, उसके गेम प्ले वीडियो का लिंक कमेंट में है। तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से जाके वीडियो देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, हमें अगली गेम कौन सी खेलनी चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। वैसे फियरलेस भाई आप फेस रिवील कब करने वाले हो वो तो बता दीजिए। अच्छा फेस रिवील वो तो हम गाइस अभी कर देते हैं, उसमें क्या है? ए फियरलेस क्या कर रहा है यार, इधर आ। रुको हाँ हम 2 मिनट में आते हैं। सुनो मैं बताता हूँ क्या करना है।
ठीक है भाई, समझ गए, थैंक यू। तो सड़ो फियरलेस भाई, कर दो फेस रिवील। अरे नहीं नहीं, फेस रिवील तो हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तभी करेंगे। अरे बाबू मौसा भाई, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। अरे अगर 10 मिलियन हो जाएंगे तो बोलेंगे कि 20 मिलियन पे करेंगे, सिंपल। अच्छा यू सड़क ब्रो, वेरी सड़क। और फियरलेस भाई, आप अपने हेटर्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखो यार, हेटर्स को ना मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरा फ्री में प्रमोशन होता है। और यार, हेटर्स को ना इग्नोर करना चाहिए, और वैसे भी मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हेटर्स कुछ भी बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। और अब फियरलेस आया है का? ये तो वही है ना जो पहले लॉबी में मुजरा करता था। ए गांव वालों, ये देखो आज तो टिकटॉकर आया है फ्री फायर वर्ल्ड में। अरे क्या देख क्या रहे हो, अभी मैंने जो बोला वो सब तो कहने की बातें होती है। हाँ हम भी इंसान है तो हमें भी बुरा तो लगता ही है ना। हाँ फियरलेस बॉय सही कहा, बुरा तो लगता है। अरे ये फियरलेस भाई तो बदमाश है हमारी तरह। और हाँ गाइस, कभी यार मौका ही नहीं मिला आप सबको थैंक यू बोलने का। हाँ गाइस, आप लोगों ने हमें जितना सपोर्ट किया है ना, उसके बदले में हम कितना भी थैंक यू बोले वो कम ही है। हाँ गाइस, आपने तो 7 महीने में ही हमें 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, तो उसके लिए आप सबको दिल से लव यू यार। तो चलो यार, आप सबसे मिलके अच्छा लगा, अब हम चलते हैं। बाकी यार, अगर आप सबका मन करे हमसे मिलने का तो ऊपर आ जाना। गाइस यार, ये सब तो हंसी मजाक की बातें थी, बाकी फियरलेस भाई तो बहुत अच्छे आदमी है, वो कभी बताते नहीं है, पर यार वो बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। फियरलेस भाई बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, एकदम कम्बल। और क्या बोल रहा है बाबू मोसाई, कम्बल नहीं हम्बल होगा, अच्छे से देख। हाँ यार, कम्बल नहीं हम्बल है, ये फियरलेस भाई को मना किया है, इंग्लिश में स्क्रिप्ट मत लिखो फिर भी लिखते हैं। तो गाइस यार, फियरलेस भाई है ना एकदम हम्बल आदमी है।